गुड मॉर्निंग माय डियर लवली किड्स, वेलकम बैक टू योर कंप्यूटर क्लास। हाय, दिस इज हीनू गुलाटी, योर कंप्यूटर टीचर। सो किड्स, इन टुडेज कंप्यूटर क्लास वी विल कंटिन्यू विद अवर सेम चैप्टर, दैट इज चैप्टर 2, GUI, ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप मैनेजमेंट। किड्स, इन प्रीवियस क्लास यू ऑल हैव स्टडीड टिल टॉपिक द टास्क बार। तो बच्चों, पिछली क्लास में आपने द टास्क बार के टॉपिक तक रीडिंग करी थी और स्टडी करा था चैप्टर। नाउ किड्स, विल कंटिन्यू विद नेक्स्ट टॉपिक। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कस्टमाइजिंग द टास्क बार। सो किड्स, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। यू कैन कस्टमाइज द टास्क बार टू बेस्ट सूट्स योर नीड्स। बच्चों, आप टास्क बार को जो है वो अपने नीड्स के अकॉर्डिंग जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हो। कस्टमाइज मतलब बच्चों, मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अगर आपको टास्क बार को चेंज करना है तो आप उसको अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। लेट अस सी हाउ वी कैन कस्टमाइज़ द टास्क बार। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कि हम अपने टास्क बार को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मीन्स कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। किड्स, हेयर आर सम पॉइंट्स। बच्चों, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रखे, हम इनको रीड करेंगे और इनको रीड करने के बाद समझेंगे कि हम कैसे अपने टास्क बार को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज, राइट क्लिक ऑन द टास्क बार एंड सेलेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑप्शन। बच्चों, अगर आपको अपने टास्क बार को चेंज करना है, कस्टमाइज करना है, तो पहले आपको राइट क्लिक करना होगा टास्क बार पे। फिर राइट क्लिक करने के बाद किड्स, आपको उसमें जो ऑप्शंस आएंगे उसमें से प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। द टास्क बार एंड स्टार्टअप मेनू प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स अपीयर। जैसे ही बच्चों आप प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको टास्क बार एंड स्टार्टअप मेनू प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स जो है वो खुल के आ जाएगा। किस जैसे कि आपको ये पिक्चर में देख सकते हैं, ऐसे तरीके से जो है आपका टास्क बार एंड स्टार्टअप मेनू प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। यू विल नोटिस दैट बाय डिफॉल्ट द टास्क बार टैप इज ओपन। जैसे ही बच्चों आपका टास्क बार एंड स्टार्टअप मेनू प्रॉपर्टी डायलॉग्स बॉक्स ओपन होके आएगा, आप सडनली नोटिस करोगे कि उसमें अचानक से आपका टास्क बार टैब भी जो है वो ओपन हो गया। इन द टास्क बार अपीयरेंस सेक्शन क्लिक ऑन द लॉक द टास्क बार चेक बॉक्स। बच्चों, आपको क्या करना होगा, जैसे ही आपका टास्क बार टैब सडनली ओपन हो जाएगा तो उसमें आपको टास्क बार अपीयरिंग सेक्शन में लॉक द टास्क बार चेक बॉक्स पे क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। दिस विल लॉक द पोजीशन ऑफ द टास्क बार एंड विल नॉट अलाउ इट टू मूव टू एनी अदर प्लेस। जैसे ही बच्चों आप लॉक द टास्क बार चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे, वैसे ही आपके टास्क बार की जो पोजीशन है वो लॉक हो जाएगी। मींस आपका टास्क बार अगर आपके डेस्कटॉप पे बॉटम पे शो होता है ना, तो बॉटम पे ही शो होगा, वो बिल्कुल वहीं पे लॉक हो जाएगा, वो कहीं इधर से उधर जो है वो मूव नहीं कर पाएगा। किड्स, ये जो लॉक द टास्क बार चेक बॉक्स का ऑप्शन था, ये आपके टास्क बार को लॉक करने के लिए था। नाउ किड्स, अगर आपको अपने टास्क बार को हाइड करना है, सो व्हाट यू हैव टू डू, क्लिक ऑन द ऑटो हाइड द टास्क बार चेक बॉक्स। बच्चों, जैसे कि आप ये इमेज देख सकते हैं, इस इमेज में हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है, ऑटो हाइड द टास्क बार। अगर बच्चों आपको अपने टास्क बार को जो है वो हाइड करना है, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। दिस ऑप्शन मेक्स अ टास्क बार टू हाइड ऑटोमेटिकली व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज। जब आपका टास्क बार का कोई काम नहीं होगा, तो ये ऑप्शन, जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आपका टास्क बार जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ही हाइड हो जाएगा। नाउ किड्स, लेट्स सी नेक्स्ट। क्लिक ऑन द यूज स्मॉल आइकन्स चेकबॉक्स। दिस ऑप्शन रिड्यूसेस द साइज ऑफ द टास्क बार आइकन्स टू फिट मोर प्रोग्राम आइकन्स ऑन द टास्क बार। बच्चों, अगर आपको अपने टास्क बार पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम आइकन्स जो हैं वो शो करने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यूज स्मॉल आइकन्स चेक बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं। इसे क्लिक करने से बच्चों क्या होगा, आपके टास्क बार जो हैं वो छोटे हो जाएंगे साइज़ में, और ज़्यादा से ज़्यादा टास्क बार जो है वो आप अपने डेस्कटॉप पे फिट कर सकते हैं। किड्स, ये तो आपका ऑप्शन था अपने टास्क बार के साइज़ को रिड्यूस करने के लिए। नाउ किड्स, लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट। Specify the location of the taskbar by choosing any desired option from the drop-down menu of taskbar location on screen. The choices are bottom, top right and left. ये बच्चों आपके टास्क बार को कस्टमाइज करने के लिए ऑप्शन से मॉडिफाई करने के लिए इस ऑप्शन में बच्चों क्या कहा जा रहा है कि आप अपने टास्क बार की लोकेशन को अपनी स्क्रीन पर जो है वो अपने आप मॉडिफाई कर सकते हो, मीन्स चेंज कर सकते हो। अगर आप अपना टास्क बार जो है अपने पूरी डेस्कटॉप की स्क्रीन पे
बॉटम पे शो करना चाहते हो तो आप उसको बॉटम पे शो कर सकते हो। आप अगर उसको टॉप पे शो करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन पे सिलेक्ट करके उसको टॉप पे शो कर सकते हो। राइट पे शो करना चाहते हो राइट पे कर सकते हो, लेफ्ट पे शो करना चाहते हो तो लेफ्ट पे कर सकते हो। किड्स ये पॉइंट तो आपके टास्क बार की लोकेशन को आपकी स्क्रीन पे चेंज करने के लिए था। नाउ किड्स लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट। व्हाट इज आवर नेक्स्ट पॉइंट? स्पेसिफाई हाउ आइकन शुड बी डिस्प्लेड ऑन द टास्क बार By choosing any desired option from the drop-down menu of taskbar options, you can choose. किड्स अगर आप अपने आइकन जो आपके टास्क बार पे शो होते हैं अगर आप उनको चेंज करना चाहते हैं, मीन्स अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है उनको टास्क बार पे चेंज करना चाहते हैं, तो किड्स आपको उसके लिए क्या करना होगा? आपको उसके लिए टास्क बार बटन्स में ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करना होगा। उसमें बच्चों आपको तीन ऑप्शंस खुल के आएंगे। कौन कौन से तीन ऑप्शंस खुल के आएंगे? ऑलवेज कंबाइन हाइड लेबल्स, कंबाइन व्हेन टास्क बार इज फुल, नेवर कंबाइन। तो बच्चों अगर आपको जो आपके टास्क बार पे आइकन शो होते हैं अगर आपको उनमें कुछ चेंजेस करना है तो आपको इन तीनों में से एक ऑप्शन को चूज करना होगा। सो लेट अस रीड देम। ऑलवेज कंबाइन हाइड लेबल्स। सो किड्स लेट्स सी, इट विल पाइल अप द आइकन्स फॉर द सेम प्रोग्राम एंड ओनली शो द आइकन्स विदाउट देयर लेबल्स। बच्चों ये जो सेम प्रोग्राम्स होंगे उनको क्या कर देगा? जमा कर देगा, एक तरफ जो है उनको जमा कर देगा और वही आइकन शो करेगा जो लेबल्स के बगैर होंगे। नेक्स्ट, कंबाइन व्हेन टास्क बार इज फुल, दिस ऑप्शन विल पाइल अप द आइकन्स ओनली व्हेन देयर आर मैनी विंडोज प्रोग्राम ओपन एंड देयर इज नो स्पेस ऑन द टास्क बार। बच्चों ये ऑप्शन तभी आपके आइकन्स को इकट्ठा करेगा जब आपके टास्क बार पे जो है वो बहुत सारी विंडोज़ होंगी और उस पर कोई जगह खाली नहीं होगी। इट विल शो ईच विंडोज़ लेबल नेक्स्ट टू द आइकन। बच्चों ये जो होगा ये हर एक विंडो के ऊपर जो उसका आइकन है उसको लेबल शो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज नेवर कंबाइन, इट प्रिवेंट्स एनी पिलिंग एंड विल शो ईच विंडोज लेबल नेक्स्ट टू द आइकन्स। बच्चों नेवर कंबाइन ऑप्शन में क्या होगा? ये कोई भी आपके आइकन्स को जो है वो विंडो पे कंबाइन नहीं करेगा, मीन जमा नहीं करेगा, बल्कि ये सारे विंडोज़ को जो है वो आइकन के साथ बिल्कुल लेबल शो करेगा, मीन्स उनके नेम के साथ शो करेगा। तो बच्चों ये तो था हमारा कस्टमाइजिंग द टास्क बार का टॉपिक कि हम किस तरीके से अपने टास्क बार को कस्टमाइज कर सकते हैं। नाउ किड्स वी विल रीड एंड स्टडी न्यू टॉपिक दैट इज आइकन्स। तो बच्चों अब हम सब आइकन्स के बारे में पढ़ेंगे। किड्स प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था आइकन्स क्या होते हैं। आइकन्स जो होती हैं जो स्मॉल पिक्चर्स लेबल पिक्चर्स होती हैं जो हमारे डेस्कटॉप पे शो होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आइकन्स कहते हैं। सो नाउ किड्स लेट्स रीड दिस टॉपिक। आइकन्स आर स्मॉल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट फाइल्स फोल्डर्स एंड प्रोग्राम्स। बच्चों आइकन्स जो होती हैं वो छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं हमारे डेस्कटॉप के विंडोज़ पे जिसमें हमारे फाइल्स होते हैं, फोल्डर्स होते हैं और कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। द आइकन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। बच्चों ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी कि विंडोज़ में जो है वो आइकन्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। लेट अस लर्न अबाउट सम कॉमनली यूज्ड आइकन्स। तो चलिए बच्चों उन कॉमनली यूज्ड आइकन्स के बारे में पढ़ते हैं जो बहुत यूज़ किए जाते हैं हमारे डेस्कटॉप पर। So now kids, let's read them. So kids, our first icon is computer. देखिए बच्चों ये icon जो है वो हमें हमारे computer जैसा ही शो होता है हमारे desktop की screen पे. It gives you a view of available drives and their contents stored on the computer system. When you double click on any drive icon, it displays the files and folders contained in that drive. बच्चों इस आइकन में हमारे जो हमारे कंप्यूटर में जो हमारी अवेलेबल ड्राइव्स हैं जो हमारे कंटेंट्स जो हमने कंप्यूटर में स्टोर कर रखे हैं वो इसमें हमें शो होते हैं, मींस हमारी सारी ड्राइव्स हमारी सारी फाइल्स सारे फोल्डर्स जो हैं वो इस कंप्यूटर आइकन में सेव होते हैं। जब हम इस कंप्यूटर आइकन पे क्लिक करते हैं तो हमारी ड्राइव्स जो हमारी बनी हुई होती हैं वो ओपन होके आ जाती हैं और जब हम उन ड्राइव्स पे डबल क्लिक करते हैं तो उस ड्राइव में जो हमारी फाइल जो हमारी फोल्डर जो है जो सेव है वो उस पे ओपन होके आ जाती हैं। तो किड्स ये जो हमारा कंप्यूटर आइकन है ये हमारे कंप्यूटर की सारी ड्राइव्स को और सारे कंटेंट्स को सारे फाइल्स को सारे फोल्डर्स को स्टोर करता है। नाउ किड्स अवर सेकेंड आइकन इज़ एप्लीकेशन आइकन।
These are the graphical images that gives a quick access to the related application. किड्स एप्लीकेशन आइकन कुछ ग्राफिकल इमेजेस होती हैं. ग्राफिकल इमेजेस यानी कि कुछ पिक्चर्स होती हैं जो हमें हमारे डायरेक्ट हमारे एप्लीकेशन तक जो है वो पहुंचा देती हैं. फॉर एग्जांपल किड्स, आप इमेज में देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2010 लिखा हुआ है. मीन्स किड्स ये एप्लीकेशन आइकन्स क्या करती हैं, ये हमें डायरेक्टली हमारी एप्लीकेशन की इमेजेस शो करती हैं कि हमारा ये एप्लीकेशन है, ये हमारा एक्सेल का एप्लीकेशन है, ये हमारा पावर पॉइंट का एप्लीकेशन है, या हमारा एमएस वर्ड का एप्लीकेशन है. मींस उसकी छोटी छोटी जो है वो पिक्चर्स शो करती हैं, जिससे कि हमें जो एप्लीकेशन हमें अपनी ओपन करनी है, हम सडनली उसको ओपन कर सकते हैं. नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट कॉमनली यूज्ड आइकन इज शॉर्टकट आइकन्स. अ शॉर्टकट इज एन आइकन कंटेनिंग अ डायरेक्ट रूट to a specific application, documents or a folder. It has a small jump arrow on its lower left corner. बच्चों, shortcut menu जो होता है वो direct जो होता है वो हमारे कुछ applications, कुछ documents, कुछ folders से direct उसका route जो होता है वो connect होता है. जैसे ही बच्चों हम shortcut icon पे click करते हैं, हम direct जो application, जो document, जो folder हम open करना चाहते हैं उसको suddenly open कर सकते हैं. It has a small jump arrow on its lower left corner. इसके लोअर लेफ्ट कॉर्नर में, मतलब नीचे के लेफ्ट हैंड साइड पर एक छोटा सा एरो होता है. स्मॉल जंप क्या होता है, स्मॉल जंप एरो होता है. किड्स, ये तो था हमारा थर्ड कॉमनली यूज्ड आइकन. नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट आइकन इज डॉक्यूमेंट्स आइकन्स. द एक्टिव डॉक्यूमेंट विंडो ऑफ एन एप्लीकेशन कैन बी मिनिमाइज टू अ डॉक्यूमेंट आइकन विच गेट्स प्लेस्ड ऑन द टास्क बार. किड्स, इस डॉक्यूमेंट आइकन पे बच्चों हम क्या कर सकते हैं, जिस विंडो एप्लीकेशन पे अभी इस टाइम पे हम वर्क कर रहे हैं, जो विंडो एप्लीकेशन हमारी एक्टिव है, अगर हमें उसके अलावा भी किसी और चीज़ पे वर्क करना है तो हम डॉक्यूमेंट आइकन की हेल्प से उसको क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं और अपने टास्क बार पे प्लेस कर सकते हैं. मीन्स फॉर एग्जाम्पल किड्स, आपको सडनली क्या हुआ, आप एमएस एक्सेल पे काम कर रहे थे, ठीक है, एमएस एक्सेल से काम करते करते आपको कोई थोड़ा बहुत यूज़ आ गया गूगल पे काम करने का, तो आप सडनली गूगल पे चले गए. अब आप सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, डॉक्यूमेंट आइकन की हेल्प से अपनी जो एक्टिव डॉक्यूमेंट विंडो है उसको मिनिमाइज़ कर सकते हो और प्लेस कर सकते हो अपने टास्क बार पे. यू कैन रीस्टोर द डॉक्यूमेंट विंडो बाय क्लिकिंग ऑन द डॉक्यूमेंट आइकन. आप बच्चों उस आइकन को जो है, मतलब उस डॉक्यूमेंट जो आपने अभी अपने डॉक्यूमेंट विंडो को मिनिमाइज़ किया था, आप उस पर क्लिक करने के बाद उसको दोबारा रिस्टोर कर सकते हो और उस पर जो वर्क करना चाहते हो वो दोबारा कर सकते हो. बट किसकी हेल्प से, डॉक्यूमेंट आइकन की हेल्प से. नाउ किड्स, लेट्स सी नेक्स्ट मोस्ट कॉमनली यूज आइकन, दैट इज़ नेटवर्क. What is this? This is network. It allows you to access the shared files or devices on different computers, sharing a common network for data transmission. किड्स, ये जो नेटवर्क आइकन होता है बच्चों, नेटवर्क आइकन आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक अपनी फाइल्स को शेयर करने में हेल्प करता है. नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट मोस्ट कॉमनली यूज आइकन इज रिसाइकिल बिन. बच्चों, हमारा नेक्स्ट आइकन क्या है, रिसाइकिल बिन. रिसाइकिल बिन इज अ फोल्डर That holds the deleted files or folders. बच्चों, recycle bin जो है वो हमारा ऐसा folder होता है जिसमें हमारी जो हमने files या जो हमने folder delete करे वो उसमें store हो जाते हैं. The deleted files, folders can be restored to their original locations from the recycle bin. बच्चों, for example kids, आपने कोई भी फाइल जो है, कोई भी फोल्डर जो है वो डिलीट कर दिया है, तो वो आपका रिसाइकिल बिन में जाके सेव हो जाएगा. आप उससे उस फोल्डर और उस फाइल को अगर आप वापस अपने डॉक्यूमेंट्स में लाना चाहते हैं, मींस अपने ड्राइव में लाना चाहते हैं, तो आप उसको रिसाइकिल बिन से जाके जो है वो रीस्टोर भी कर सकते हैं. सो किड्स, ये तो था हमारा आइकन्स का टॉपिक. सो किड्स, इन दिस क्लास टुडे यू ऑल आर गोइंग टू स्टडी टिल दिस टॉपिक ओनली. थैंक यू किड्स, बाय बाय.